स्पा सेंटर के दो मैनेजर पैसे के लेन देन को लेकर आपस में भिड़ गए। इनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक मैनेजर ने दूसरे को तवे से मार मार कर उसकी जान ले ली। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। बिलौजी स्पा सेंटर में 12 घंटे पहले हुई मैनेजर की हत्या का पुलिस अधीक्षक निवेदिता गुप्ता ने खुलासा कर दिया है। उन्होंने बताया है कि मृतक व आरोपी दोनों अंजलि स्पा सेंटर के संचालक का फोन आया, उसी बात को लेकर दोनों मैनेजरों के बीच पैसे के हिसाब किताब को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी शिवम मिश्रा ने मृतक सिकंदर रविदास के ऊपर रोटी बनाने वाले तवे से ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया। इस दौरान अंजलि स्पा सेंटर बिलौजी में कार्य कर रही लड़की ने बीच बचाव किया, लेकिन आरोपी लगातार प्रहार करता रहा जिससे सिकंदर रविदास की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद आरोपी शिवम मिश्रा एक ऑटो में बैठकर बरगवां तरफ भागा। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस ने चारों तरफ से घेराबंदी कर वहीं बरगवां में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्पा सेंटर का शिवम मिश्रा ही हत्यारा निकला है और तत्काल हत्या के धाराओं में FIR दर्ज करके और घटना से मुश्किल से कुछ ही घंटों में हमने उसको गिरफ्त में ले लिया और उसने तत्काल अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। घटना की चश्मदीद एक लड़की थी, उसको भी हम लोगों ने अपने गिरफ्त में ले लिया और उसके माध्यम से पूरी घटना कैसी हुई थी वैसी अपने सामने आ चुकी। वजह तो तत्क्षण में जो है पैसे को लेकर के कुछ प्रॉफिट को लेकर के विवाद था, जो संचालक के फोन के आने के बाद इन दोनों के बीच कुछ ऐसी हॉट टॉक हुई है जिसमें ये जो मृतक है उसको जो है शिवम मिश्रा ने जो है किचन में जा करके तवा ले आया हैंडल वाला और उससे कंटिन्यूसली उसको वार करके उसको मृत्यु कर। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।